नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू कुमार और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आपके पास अगर एयरटेल का सिम है और उस पर रिचार्ज करते हो तो उस पर गलत हो जाता है, तो आप उसको कैसे वापस मंगा सकते हो। चलिए क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है प्ले स्टोर में और वहाँ से मित्रा नामक एक एप्लीकेशन है, देख सकते हो मित्रा, यहाँ पे आप सर्च करते हो तो यहाँ से देख सकते हैं। यह जो है लेटेस्ट वर्जन है, आप लोगों को मैंने ओल्ड वर्जन जो इसका था मतलब कि अभी अपडेट नहीं आया था तब हम आपको करके बताए थे रॉन्ग रिचार्ज रिवर्सल, और मैं अभी फिर से कर रहा हूँ। और देख सकते हो यहाँ पर मित्रा एप्लीकेशन को आप टू डेट कर लेना है प्ले स्टोर से और इसको ओपन करना है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर ओपन करिएगा तो यहाँ से देख सकते हैं मांग रहा है लप्पू नंबर एंड लप्पू पासवर्ड। चलिए हम अपना लप्पू नंबर यहाँ से फिलअप करते हैं और लप्पू पासवर्ड भी फिलअप कर लेते हैं। देखिए लप्पू नंबर क्या चीज़ है और इसमें कैसे आपको लॉगिन करना है, आप अगर पहले बार लॉगिन करते हो तो इसके ऊपर जो हम वीडियो बना चुके हैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ से हम सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं। और देख सकते हैं लॉगिन करने के बाद ये जो थोड़ा सा एक बैनर जो है यहाँ पर आ चुका है, बाय कर लेते हैं थोड़ा सा और यहाँ से नो कर लेते हैं। देखिए समझ लीजिए कि आप लॉगिन करिएगा तो कुछ आपके सामने इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे एक मिल रहा है ऑप्शन, देखिए यहाँ पे माई ट्रांजैक्शन, आपको जाना है माई ट्रांजैक्शन के ऑप्शन पे। चलिए माई ट्रांजैक्शन के ऑप्शन पे जाते हैं और देख सकते हैं माई ट्रांजैक्शन के ऑप्शन पे हम जाते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाता है। तो यहाँ से देख सकते हैं कितने रुपए का आपने मतलब कि ट्रांजैक्शन मंगवाए हैं, सब कुछ आ चुका है और यहाँ से आपको मिल रहा है एक ऑप्शन ट्रांजैक्शन स्टेटस। यहाँ से आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन स्टेटस मीन्स कौन कौन सा मोबाइल पे आप रिचार्ज किए हो, यहाँ पे 15 ट्रांजेक्शन के लगभग आपको दिखाएगा, यहाँ पे 15 या 20 ट्रांजेक्शन ऐसे ही दिखाता है जिसमें से आपको यहाँ पे मतलब कि अब आपको क्या करना है। आपको यहाँ से देख सकते हैं मैं यहाँ पे जैसे 10 रुपये का रिचार्ज या फिर 119 रुपये का या फिर 135 रुपये का या फिर 35 रुपये, जितने जितने रुपये का हम रिचार्ज किए उतने रुपये के यहाँ पे हमें जो रिवर्स मंगाना है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ से आपको बता देते हैं कि रिवर्स आप मंगाइएगा उस बैलेंस को जो यहाँ पे फुल टॉक टाइम वाला आता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार करके, देख सकते हैं यहाँ पे 95 रुपये का मैं रिचार्ज किया हूँ और 95 रुपये वाला हम रिवर्स करते हैं। और यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये मोबाइल नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये मोबाइल नंबर गलत है। चलिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे देख सकते हैं 95 रुपये जो लिखा हुआ है 95 रुपये वाला ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। और 95 रुपये क्लिक करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, अब आपको क्या करना है एक मोबाइल नंबर टाइप करना है। चलिए हमें एक जो मोबाइल नंबर मतलब कि अब यहाँ से वैसा नंबर आप टाइप कीजिए जो कि सही दम रहे। और देख सकते हैं मैं यहाँ पे टाइप कर लिया हूँ, इसी नंबर को हम रहने देते हैं। आपको क्या करना रहेगा, मान लीजिए जो नंबर यहाँ पे है इसमें से 1 या 2 डिजिट या फिर कोई भी डिजिट गलत हो जाता है तो यहाँ पे आपको जो सही मोबाइल नंबर रहेगा उसको यहाँ पे लिख देना है और यहाँ से आपको मिलेगा एक सबमिट का ऑप्शन, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं रॉन्ग सब्सक्राइबर नंबर एंड राइट सब्सक्राइबर नंबर मस्ट नोट बी सेम, प्लीज़ ट्राई अगेन विथ वैलिड सब्सक्राइबर नंबर। मतलब कि बोल रहा है कि यहाँ पे जो रॉन्ग नंबर यहाँ पे जो आपका है और राइट नंबर है दोनों सेम है इसलिए रिवर्स नहीं हो पाएगा, आप यहाँ से फिर से बढ़िया वाला जो मतलब कि जो सही है उसको यहाँ पर डालें। मतलब मैंने क्या क्या था, सेम नंबर को ही सेम नंबर यहाँ पर रहने दिया था क्योंकि मेरा अभी जो है कोई भी रॉन्ग रिचार्ज नहीं हुआ है, मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि आप लोगों को कैसे करना है रिवर्स। आपको यहाँ पे जो यहाँ पे मतलब कि नंबर लिखने के लिए आता है, आप वहाँ से जो सही नंबर है उसको डालो और वहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करो और आपका जो रिवर्सल रहेगा आपको 24 आवर्स के अंदर आपके जो सही सिम नंबर लिखे हैं उस पर चला जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें से कुछ मतलब कि ज़रूरी बातें हैं मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। पहला बात ये है कि आप लोगों को ये जो मतलब मित्रा एप्लीकेशन में साइन अप कर लेना है और दूसरा ये है कि आपको जितना मतलब कि 50 रुपये से ज़्यादा कराना चाहिए ट्रांजेक्शन, जैसे कि आप कोई भी रॉन्ग रिचार्ज रिवर्सल के हो कम से कम 50 या फिर उससे ज़्यादा का रिचार्ज रिवर्सल रहेगा तभी वापस होगा। और इसमें एक खास बात और भी है, इसमें से जो फुल टॉक टाइम वाला जो बैलेंस रहता है सिर्फ और सिर्फ वही वापस होता है, जैसे कि 119 और मतलब कि जो 179 199 ये सब जो प्लान वापस नहीं होगा, जो बैलेंस देता है मतलब जैसे 35 रुपये में 26 रुपये बैलेंस देता है ये वापस हो जाएगा, 95 रुपये में 95 रुपये बैलेंस देता है ये भी वापस हो जाएगा, 65 रुपये में 55 रुपये देता है ये भी वापस हो जाएगा। मतलब कि देखा जाए तो यहाँ पे जो बैलेंस देता है मतलब कि जो मेन अकाउंट में बैलेंस देता है वो जो रिचार्ज रहेगा वो वापस हो जाएगा और जो मतलब कि बैलेंस नहीं रहता है मेन अकाउंट में वो वापस नहीं होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं छोटी सी वीडियो में, क्या चीज़ रहता है अगला वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे चैनल पे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहते हैं, आपको मिलता रहेगा बिल्कुल फ्री में।